एडवाइस, टेक एडवाइस। जो मेन प्रॉब्लम क्या है, राम जी और रावण में फर्क क्या है? रावण किसी का एडवाइस नहीं मानता था। उनके भाई ने कहा, कुंभकर्ण ने भी कहा, विभीषण ने भी कहा, मंडोदरी पत्नी ने कहा, हाँ और किसने कहा, नाना जी ने कहा, पता नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, और वो भी आके कह के गए भैया, किसी का सुनते ही कहा। दुर्योधन को भी कितने लोगों ने सलाह दिया, सुनते ही कहा। अच्छा ठीक है, तो किसी का नहीं सुन रहे, तो यू शुड बी ओपन टू एडवाइस। ऑफ कोर्स फाइनली डिसाइड खुद को ही करना चाहिए, सिर्फ किसी का कह दिया इसीलिए ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बट ड्यू कंसिडरेशन जरूर देना चाहिए दूसरों को। यू शुड हैव सम गुड काउंसलर्स, अच्छे एडवाइस देने वाले जरूरी, सही एडवाइस देने वाले, अच्छे एडवाइस देने वाले, ऐसे लोगों को साथ में रखो जो अच्छे से आपको सही मार्गदर्शन दे, सही एडवाइस दे। ऐसा एक नहीं बल्कि कम से कम कई सारे लोगों को रखिए, चार पांच लोग कम से कम, तो फिर वो आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन है तो आपको बताएंगे भाई, तो उन सबका सुन के विचार करके फिर डिसाइड करिए। दैट इज द, क्योंकि हमारा दिमाग लिमिटेड है ना, हम लिमिटेड ही सोच सकते हैं, मन लिमिटेड नहीं सोच सकते, इसलिए बेटर यू टेक एडवाइस मटेरियल लाइफ में। और स्पिरिचुअल लाइफ में तो ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस्ड है, हमारा दिमाग लिमिटेड है इसलिए हम भगवान के दिमाग से चलते हैं। भक्ति का मतलब यही है, अपना दिमाग के हिसाब से हमको कुछ नहीं पता, पर भगवान तो लिमिटेड नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है, इसलिए भगवान ने जो बताया गीता भागवतम में उसके अनुसार चलना ये सबसे इंटेलिजेंट। हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट बताइए, गॉड। एकदम ऐसा पावरफुल आंसर दो, हु इज इंटेलिजेंट, हु यूजेस द इंटेलिजेंस ऑफ अ, वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट यू आर वेरी क्लोज, 90% क्लोज, द मैन हु फॉलोस द इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, एग्जैक्टली, ही इज इंटेलिजेंट हु फॉलोस द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है उनको फॉलो करने वाला इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट बनना है तो क्या करना, मोस्ट इंटेलिजेंट को फॉलो करना। मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है, प्रभुपाद, उनको फॉलो करो, भगवान को फॉलो करो तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओ, सिंपल।